हमारे मन में हमारे प्रति योग का जो मैसेज है वो योग सूत्र के बिना अधूरा रह जाएगा, तो उसे पूरा करने की हम आज कोशिश करेंगे। योग शास्त्र विभूति राव आपके सर ने बताया 2,500 साल पहले से पुराना है और आज तक समय की टेस्ट में खरा उतर आया है, क्योंकि वो है ही इतना असाधारण अभूतपूर्व और आज भी हमको मार्गदर्शन देता है, क्योंकि ये बिल्कुल सर्वसमावेशक है और ये आज के मानस शास्त्र ने भी जानते हैं और उसका एंडोर्स करते हैं। तो हमने ये योग सूत्र समझना चाहिए और ये सर्वसमावेशक क्यों है, क्योंकि उसमें मन बुद्धि अहंकार ये सबके ऊपर विचार है और वो पूर्ण विचार है। क्या आप सांस लेते हैं? तो अगर सांस लेते हैं तो प्राणायाम समझना आवश्यक है, बराबर। अगर हाथ पैर चलते हैं तो आसन समझना आवश्यक है, बराबर। उसी तरह से अगर हमें मन है, भावनाएं हैं, हमें अहंकार है, हमारा इंटेलिजेंस काम करता है, तो इसका शास्त्र जो योग सूत्र है वो भी समझना उचित होगा। और योग सूत्र की शुरुआत में पतंजलि महर्षि ने कह दिया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानम्। तो ये स्वरूप क्या है जिसकी अभी अभी चर्चा हुई, कोहम सोहम, वही है स्वरूप जो पूर्ण परिपूर्ण अनंत स्वप्रकाशी ऐसा निरंतर स्वरूप है और वो हम सब में है। ये योग सूत्र की शुरुआत में ही बता दिया है, इट व्हाट एन अमाउंट ऑफ एंडोर्समेंट सेल्फ एम्पावरमेंट टू ऑल ऑफ अस। मगर ये हम समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, ये अगर हम पूर्ण हैं तो वो क्यों नहीं समझ रहे हमें? ये बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि स्वरूप जो है ये योग में पतंजलि ऋषि ने जो कहा है कि सारा जो प्रवास है योग का, जो अष्टांग योग है, वो सारा प्रवास जो है वो एक ही तरफ जाता है, वो पुरुष में अलाइनमेंट होने के लिए। अगर वो पुरुष एक ही है, उसी का अंश मुझ में, आप में, आप में, सभी में अगर है, तो मुझे उसका एहसास क्यों नहीं होता? ये अविनाशी तेजस्वी असीमित जो अपना रूप है, उस वह अगर सब में है तो उसका अनुभव हमको क्यों नहीं होता? क्यों हम अपने आप को लिमिटेड मानते हैं? तो इसके लिए पतंजलि ने जिसका इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसके लिए क्लेशों का, तो ये मन को, मन के एफ्लिक्शंस जो ये पांच क्लेश है, सबसे अहम सबसे महत्वपूर्ण जो क्लेश है वो क्लेश है अविद्या। तो अविद्या क्या है? अविद्या यही है कि इस स्वरूप को, इस अपने मूल स्वरूप को, तेजस्वी स्वरूप को, असीमित स्वरूप को न जानने की, न पहचानने की जो जो क्लेश है वो है अविद्या। तो इस विराट स्वरूप को क्यों हम लोग पहचानते नहीं है, उसके उदाहरण के लिए मुझे एक कहानी याद आती है बचपन में अपने जो सुनी थी। एक शेर का बच्चा बचपन में ही भूल भूल जाता है और भेड़ियों के एक समूह में भूल मिल जाता है, बहुत छोटा है, तो वो उसी भेड़ियों के समूह में पलता है, बड़ा हो जाता है और उसे पता नहीं मैं शेर हूं, वैसे बड़ा हो जाता है वो, जहाँ वो ऐसा मानता है कि मैं भी मेरी भेड़िया हूँ। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तभी एक शेर से उसका सामना हो जाता है, शेर से सामना होते होते शेर उसका मूल स्वरूप, वो बोलता है कि अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो शेर हो, तुम भेड़िया नहीं हो, तो उसकी पहचान करा देता है कि तुम शेर हो। और जब ये बच्चा जो बड़ा हुआ है वो जानता है, वो मानता है कि मैं एक शेर हूँ, तो उसके विचार बदल जाते हैं, उसकी आइडेंटिटी बदल जाती है, वो अपने मूल स्वरूप को जानता है। ये उदाहरण है, तो हम जब अपने मूल स्वरूप को पहचानेंगे तो अपनी दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि इस मूल स्वरूप में बहुत सारी अद्भुत क्षमताएं हैं जिसमें हमारे जीवन के हर प्रकार
प्रकार जीवन को हर प्रकार से निरोगी और आनंदमय रखने की क्षमता है। इसमें दूसरा क्लेश जो पतंजलि ने कहा है वो है अस्मिता। अब जब हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये मेरा मूल स्वरूप है, हम क्या करते हैं, वो हम छोटे छोटे स्वरूप को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये छोटे छोटे स्वरूप क्या है, ये हमारे अस्मिता। तो हम लोग अपनी अस्मिता कैसे बनाते हैं, मैं फलाने धर्म का, मैं फलाने सामाजिक गण का, मेरा आर्थिक स्तर ये है तो मैं इस सोसाइटी को बिलोंग करता हूँ, मैं फलाने प्रोफेशन का हूँ तो मैं इस तरह से जीवन अपना बिताता हूँ, इत्यादि इत्यादि। वो क्यों करता है, क्योंकि इस लिमिटेड सीमित आइडेंटिटी अस्तित्व में उसे आनंद मिलता है। ये आनंद क्षणिक है, टेम्पररी है और वो जाने वाला है, फिर भी वो अपना अस्तित्व इसमें बनाए रखता है और इस अस्तित्व से वो जकड़ जाता है, वो छोड़ता नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका पूरे स्वरूप वो भूल गया है। तो ये है अस्मिता, और इस अस्मिता में, हर अस्मिता में हम अपने आनंद को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी से अपना तीसरा और चौथा क्लेश भी पैदा हो जाता है, वो है राग और द्वेष। जब किसी चीज से हमें आनंद मिलता है, किसी चीज से हमें सुख मिलता है, किसी चीज से हमें लगाव हो जाता है, तो ये चीज, ये क्लेश जो बनता है वो है राग। अब यहाँ पे अधिकतम जो लोग हैं वो मराठी है, तो ये राग जो है ये मराठी राग नहीं है, ये संस्कृत राग है। संस्कृत राग का मतलब है लगाव। तो ये हमें जिंदगी भर इन चीजों से लगाव रहता है, जो चीज हमें सुख देती है उससे लगाव रहता है। होता है मोबाइल है, टीवी है, अच्छा खाने का पदार्थ है, अच्छे लोग हैं जो हमको सराहना करते हैं, जो हमको पसंद है, ऐसे लोगों से हमको लगाव हो जाता है। और जो चीज हमें पीड़ा देती है, जिस चीज से हमें घृणा हो जाती है, उससे हमें द्वेष होता है। तो ये राग और द्वेष जो है वो दे आर द साइड, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो हम जो सुख देने वाली चीजें हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं, और जो द्वेष जो हमको पीड़ा देती है उसे दूर रखने की कोशिश करते हैं, ये हो गया राग और द्वेष। और जिंदगी भर होल लाइफ वी ट्राई टू मेक अप आवर ओन लाइफ विद दीस प्लेजर एंड पेन ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जो चीजें हमें आनंद देती है वो हमारे साथ साथ रहे, कंटिन्यूस रहे, और जो चीज, जिस चीज से हमें पर हमारी पीड़ा दूर होती है उसको हम लोग दूर रखने की कोशिश करते हैं। इससे हमारी जिंदगी हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ये कंटिन्यूटी हम चाहते हैं। तो आज जिस चीज से मुझे सुख मिल रहा है उसे मुझे कल भी मिलना चाहिए, जिस चीज से मुझे आज पीड़ा हो रही है वो मुझे कल भी दूर रखनी चाहिए। और यही है अपना पांचवा क्लेश। ये क्लेश अभिनिवेश जो है वो है, असल में इसका लिटरल मीनिंग है फियर ऑफ डेथ। तो ये लिटरल मीनिंग फियर ऑफ डेथ में न जाए, इसका एक्चुअल मतलब है जो मेरा क्षण है, जो सुख का क्षण है, पीड़ा दूर करने का क्षण है, उसकी कंटिन्यूटी, वो क्षण का क्षय नहीं होना चाहिए, उस क्षण की डेथ नहीं होनी चाहिए। तो ये हम लोग को अभी इसका परिचय तो हमको हो गया है, लेकिन एक मजे की बात बताता हूँ मैं आपको। ये हमसे ज्यादा जो विज्ञापन करते हैं, एक लाइट नोट पे है, जो हमारे लोग हम विज्ञापन देते हैं पूरे दिन भर टीवी के ऊपर, यहाँ वहाँ, वो लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इन चीजों को। एक क्लेश का अभ्यास, एक मेरे मित्र है जो इन्वेस्टिंग फील्ड में है और वो अच्छा योग जानते भी है, अपना जी का अच्छा अभ्यास है उनको, उन्होंने मुझे ये चीज समझाई कि हमसे ज्यादा ये लोग ये क्लेश को जानते हैं, इसलिए वो क्लेश का उपयोग अपना उत्पादनों का, उत्पाद जो सेल है वो बढ़ाने में करते हैं। कुछ बुरी बात नहीं है, लेकिन एक मिसाल के तौर पर मैं आपको कुछ कुछ बताता हूँ, कुछ कुछ किसी के ऊपर कुछ नहीं है, किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अस्मिता को बढ़ाने वाला क्या है, रेमंड्स द कंप्लीट मैन, फिर फॉर दोज इन कंट्रोल मर्सिडीज बेंज, टेस्ट में बेस्ट
फेस पे बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट राग बढ़ाने वाला और नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड द्वेष बढ़ाता है और टेस्ट द थंडर बहुत ही पॉपुलर राइट। तो ये सब जो है अगर हम लोग देखेंगे कि हमारी जो लाइफस्टाइल है पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक इन क्लेशों से भरी हुई है, हमारी जिंदगी पूरे इन चीज़ों से भरी हुई है और ये इससे मायने नहीं रखता कि कौन ये आप डॉक्टर है, लॉयर है, सीए है, इंजीनियर है, एमबीए है, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है, डिजाइनर है या योगा टीचर है, सभी को सेम, सभी को एक ही तरह से एक क्लेश तकलीफ देते हैं और कुछ लोगों को कम कुछ लोगों को ज़्यादा। तो ये कुछ लोगों को कम ज़्यादा ये किसके ऊपर निर्भर है, ये इसके ऊपर निर्भर नहीं है कि आपके पास पावर ज़्यादा है, वेल्थ ज़्यादा है, आपका सामाजिक स्थान ज़्यादा है या आपका एजुकेशन ज़्यादा है, बट ये इस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी चित्त भूमि कैसी है। ये चित्त भूमि क्या है? चित्त भूमि थोड़ा कठिन शब्द है, चित्त भूमि बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में अगर उसे कहें तो आप कितने पानी में हैं, ये है चित्त भूमि। तो हमारे जो क्लेश है वो हमें रजस और तमस गुण के प्रभाव से खींचते हैं नीचे की ओर। तो जितने ज्यादा रजस और तमस गुण होंगे उतने असरदार हमारे क्लेश होंगे और इन क्लेशों से अगर आपको बचना है तो उसके लिए आपके सत्व गुण की जरूरत है। तो जितना सत्व आपके अंदर ज़्यादा है या जितना आप बढ़ा पाएंगे तो आप इन क्लेशों से मुक्ति पाएंगे या निकल आ जाएंगे बाहर। तो ये चित्त भूमियाँ क्या है उसको हम समझ लेते हैं। चित्त भूमि है पांच है, ये पहले निम्न स्थान पर आती है दो चित्त भूमियाँ, क्षिप्त चित्त और मूल चित्त। क्षिप्त चित्त यानी अत्यंत चंचल रजस गुण का प्रभाव होता है जिनमें, बिल्कुल अस्थिर पर्सनैलिटी, सत्ता के प्रेमी होते हैं और इम्पल्सिव, मन में विचार आया नहीं कि धाड़ करके एक्शन करते, इस टाइप के व्यक्ति होते वो क्षिप्त के होते हैं। तो आप सोचेंगे सत्ता के प्रेमी यानी आप में से कोई नहीं है, ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि हम सबको सत्ता अच्छी लगती है। तो केवल राजनीति ही नहीं, हम देखेंगे सत्ता हर जगह में होती है, खेल के मैदान में भी पॉलिटिक्स चलता है, सोशल लाइफ में पॉलिटिक्स चलता है, सांस्कृतिक क्षेत्र में पॉलिटिक्स होता है, इंडस्ट्री में, बिजनेस में, आपके ऑफिस में, आपके घर में भी। सास बहू का रिश्ता कहाँ से है? दो भाइयों के बीच का झगड़ा, दो बहनों के बीच का झगड़ा, पिता पुत्र के बीच में का झगड़ा, नरन देवरानी का झगड़ा, न जाने और कितने, ये सब जो है वो पावर प्ले है। तो हर वक्त हम व्यक्ति अपनी पावर आजमाना चाहता है, जमाना चाहता है, वो क्षिप्त वृत्ति का प्रभाव है, रजस का प्रभाव है। नेक्स्ट गुण वृत्ति है मूड। तो मूड में तमस गुण का प्रभाव ज्यादा होता है। तो तमस यानी कि अंधेरा, दल, लेथार्जी, बिल्कुल आलस, अस्थिर, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, ये लोग बहुत विलासी होते हैं क्योंकि क्योंकि तमस ज़्यादा है, उनको स्टिम्युलेशन उत्तेजना की ज़्यादा जरूरत होती है, इसलिए ऊंची कपड़े, ऊंचे मकान, ऊंचे हर चीज़ ऊंची ऊंची चाहिए होती है क्योंकि उससे उत्तेजना मिलती है। इनका सबसे बढ़िया गाना जिंदगी का ये है, कल क्या होगा इसको पता, अभी जिंदगी का ले लो बेटा। और इन्होंने अपने लिए एक योगा डे के लिए कैप्शन भी बना लिया है स्लोगन, वो कहते हैं योगा तो मुझसे नहीं होगा। तो ये है मूड वाले। और उसके आगे थोड़े बेटर जो आप हम ज्यादातर हम सभी लोग हैं और वो है विक्षिप्त चित्त। तो विक्षिप्त मतलब आप इसे मराठी का एक कंफ्यूजन, विक्षिप्त मराठी वाला अलग है, संस्कृत वाला विक्षिप्त। तो विक्षिप्त चित्त मतलब आप सब हम सभी लोग यहाँ पे जो बैठे हैं मूड और क्षिप्त वाला जाए नहीं है, बारिश के कारण पकौड़ा खा रहे हैं या तो अपने अपने कोई भी मजबूरी में हो। तो विक्षिप्त
सारे लोग जो है बैठे वो सब लोग जानते हैं अच्छा क्या है, योग करना चाहिए, सामाजिक नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अच्छे लोगों का विचार करना सुनना चाहिए। तो ये सारे सात्विक गुण, सात सत्व जो है वो सब में है। सात्विक गुण जितने हैं उतने रजो और तमस गुण भी है, यानी कि सात्विक गुण जो है वो थोड़ा कम है, रजो तो थोड़ा ज्यादा है। इसलिए क्या होता है कि रास्ते चलते चलते प्रलोभन हो जाता है। तो प्रलोभन होने से क्या होता है, चल खा ले यार, आज खा ले यार, एक बड़ा कौन से क्या हो जाता है, या तो हफ्ता में वॉक नहीं जाओ, आज इतना काम किया मैं कल मॉर्निंग वॉक में नहीं जाऊँ, या तो हफ्ता भर मैंने इतना काम किया आज वीकेंड में दबा के खाऊंगा, या बहुत सहेली आ रहे बहुत भलाई कर ली अब मैं उसको सबक सिखा दू, या मेरी बिल्ली ऊंची से मैं हूं, या मेरा नमक खाता है और उस पर ही वार करता है, ऐसे ऐसे विचार जो होते हैं वो हमको आते हैं, क्योंकि हम साधारण विक्षिप्त चित्त के लोग हैं। तो लेकिन कुछ लोग हैं जिनमें ये गुण जो है या इस चित्त से वो ऊपर उठे हैं, जिसमें सत्व और थोड़ा ऊपर उठा है। किस कारण, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ लोग योगी मान सकते हैं हम लोगों, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर का सत्व को बढ़ाया। कैसे बढ़ाया है, यही अष्टांग योग से, यम प्राणायाम आसन प्रत्याहार ध्यान इत्यादि। तो ये इन लोगों का क्या होता है आगे जाते हैं, ये लोग बोलते हैं एकाग्र चित्त वृत्ति के, तो जैसे नाम है जैसे काम है बिल्कुल फोकस रहते हैं, उनका मन इधर उधर भटकता नहीं है, और अगर उन्होंने कुछ निश्चय किया है अपना ध्येय बना लिया है तो उस ध्येय की ओर आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सीधे कहीं उनको डगमगते नहीं, तो अपने कार्य से लगे रहते हैं, ये एकाग्र चित्त वृत्ति के लोग। और ये हम हमारे आध्यात्मिक में देखते हैं, और जाने माने लोगों का नाम लिया जाए तो सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी, भीमसेन जोशी, अमिताभ बच्चन, ये लोग हैं वो बिल्कुल एकाग्र चित्त वाले लोग हैं। मैंने ऐसे कहीं सुना था, पढ़ा था अमिताभ जी के बारे में कि वो पैदल चले गए थे एक प्रोड्यूसर के पास, जब उनके बिल्कुल पूरे दिन चल रहे थे और फिर बाद में उनको काम मिला, जो भी स्टोरी है अलग। कहने की बात ये है कि एकाग्र चित्त वाले व्यक्ति को षड रिपु बांधते नहीं है, उनको अहंकार वगैरह कुछ नहीं होता है, अपने काम से मतलब है ये करना है बस करने को आगे बढ़ जाते हैं, ये हो गया एकाग्र चित्त। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलिब्रिटीज लोगों में ही ये होता है, तो एकाग्र चित्त वाले व्यक्ति हम हमारे आजू बाजू में भी देख सकते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अव्वल दर्जे में आगे बढ़ने वाले रैंक होल्डर विद्यार्थी, ये एकाग्र चित्त के व्यक्ति हैं। आपके पड़ोसी जो अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देंगे, वो अपने माता पिता होने का फर्ज अच्छी तरह से अदा कर रहे हैं, ये भी एकाग्र चित्त के व्यक्ति हैं। ऑफिस में काम करने वाला प्यून, वो भी एकाग्र चित्त का है, जब उसका काम ठीक से बन रहा है, अच्छी तरह से कर रहा है। सफाई करने वाला मजदूर, सेना में लड़ने वाला सिपाही सैनिक, ये सब एकाग्र चित्त के व्यक्ति हैं और अपने 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 क्षेत्र में सिद्ध है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, एकाग्र के आगे और एक चित्त है निरुद्ध चित्त, तब वो योगी कहलाएंगे, तब तक तो वो सिद्ध पुरुष हो सकते हैं मगर योगी नहीं हो सकते, क्योंकि रजस और तमस का काम अभी बाकी है, तो वो जब तक वो निपट नहीं लेते तब तक निरुद्ध चित्त तक पहुँचते नहीं है। तो निरुद्ध चित्त का व्यक्ति वो है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, को हम सो हम, और योग शास्त्र में इसे स्वरूप बोलता है, उन्होंने अभी कहा पुरुष तत्व, इसको समझ गए हैं, सुलझ गया है ये, वो है निरुद्ध चित्त के व्यक्ति। निरुद्ध चित्त व्यक्ति का जो मन है उसका विलय हो गया, वो मन को उसने पूरी तरह से कॉन्कर कर लिया है, विलय कर लिया है। तो ये एक अलग प्रकार के लोग जिनकी साधना भी अलग तरीके की होती है, तो ये अभी हम लोग ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं, यहाँ पे अपने थोड़ा सा दूर जाना है, एक दिन में सब कुछ नहीं सीख सकते। तो लेकिन
पतंजलि ने ये जाना है कि अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो उत्तम साधना वाले होते हैं, कुछ लोग मध्य साधना के होते हैं, कुछ लोग आदि साधना के होते हैं। तो उत्तम साधना वाले लोगों के लिए पतंजलि योग दर्शन में जो कहा है वो सिर्फ अभ्यास और वैराग्य से वो कैवल्य प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा मध्यम जिनकी साधना है मध्यम योग्यता की, उनके लिए क्रिया योग है, तप स्वाध्याय और ईश्वर परिणाम नहीं सिर्फ बताया, इतने से वो पार कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है साधारण लोगों के लिए अष्टांग योग होता है। तो अष्टांग योग में क्या आता है, जैसे बहुत लोगों ने यहाँ पे कहा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, आठ चीज। उसमें से आसन प्राणायाम हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, यम नियम के बारे में कितने लोग जानते हैं, बहुत कम। तो थोड़ा सा लोग यम नियम के बारे में यहाँ पे जानेंगे। यम नियम में पहला यम जो आता है वो है अहिंसा। अहिंसा के बारे में तो सब जानते हैं, कोई भी यहाँ पे फाइट नहीं करता है ना, यहाँ पे सब अच्छे सिविलाइज लोग हैं। शारीरिक अहिंसा तो कोई नहीं करता, लेकिन मानसिक अहिंसा करते हैं। अगर थोड़ा झांक के देखो अपने अंदर तो करते हैं, क्योंकि हम लोग अपने फैमिली में किसी को किसी का मकसद माना अपमान तुलना करना निंदा करना ये सारी चीज़ें हैं, कंपेरिजन करना ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक मानसिक हिंसा, किसी को नीचा दिखाना, गॉसिप करना, ये सारी चीज़ें भी हिंसा में आती हैं। तो अगर हम लोग इन चीज़ों के बारे में सतर्क रहें, अवेयर रहें और इन चीज़ों से दूर रहें तो हम लोग अहिंसा का पालन करें। इसके ऊपर मुझे कहानी आ जाती है, क्योंकि हिंसा नहीं करने से अहिंसा करने से मिलता क्या है। आजकल हम लोग तो ये सोचते हैं कि ये सब ठीक है, एकदम लेक्चर वाली है, इससे मिलता क्या है, वो बोलो मुझे क्या मिलने वाला है। तो हम लोग इससे जो प्राप्त होता है वो गुण क्वालिटी उसके बारे में बात करेंगे। तो अहिंसा से जो गुण पैदा होता है वो है निर्भयता, फियरलेसनेस। फियरलेसनेस के बारे में मैं आपको छोटी सी स्टोरी, एक इंसिडेंट जो हमारे रहता है उसके बारे में बताता हूँ। हम लोग 10-12 लोग गए थे आसन करने के लिए कहीं बीच के ऊपर अलीबाग में, गाड़ी से गए थे और 10-12 लोग वहीं पे कहीं 5 मिनट की दूरी में रिजॉर्ट में रहते थे। तो हमने जरूरी नहीं समझा कि कोई कॉस्ट वॉस्ट पैसे लगेंगे, ऐसा कोई जरूरी समझा जाके आसन करने लौट आना है। हम लोग गए वहाँ पे कार पार्किंग की और आसन आसन करके एक घंटे के बाद लौट आए तो वहाँ पार्किंग की जगह एक छोटा 10 साल का बच्चा खड़ा था, उसका काम था पार्किंग के पैसे लेने। तो वो बोला कि नहीं पैसे दो लेके जाओ गाड़ी, सब देख रहे हैं गाड़ी में भी पैसा नहीं है, पर्स भी नहीं है, कह रहे बहुत मुश्किल सिचुएशन आ गई है। तो बोले उसको बोला कि भाई मैं हम लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे तभी आपको जो भी है उसका डबल पैसा दे देंगे, लेकिन अभी तो हमको जाने दो। वो लड़का वैसे के वैसे खड़ा रहा, बोले मैं नहीं जाने दूंगा, मेरा काम है पार्किंग के पैसे लेना, पैसे दो नहीं तो मत जाओ। ऐसे क्या है, ये तो छोटे से अमाउंट है, 25-30 रुपये है, ये वो कुछ पता नहीं है, आप नहीं जा सकते। सब 10-12 बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, स्ट्रॉन्ग लोग हैं, योगी लोग हैं और वो छोटा सा बच्चा वहाँ पे निर्भयता से वहाँ पे खड़ा है। आखिर में किसी दुकानदार को डरा गया, हमारे जो पैसे दिए और हम लोग वहाँ से निकल पड़े। ये कहने की बात क्या है कि उसके मन में अपना काम धर्म बहुत स्ट्रॉन्ग था और हिंसा का भाव नहीं था, अहिंसा का भाव था। तो उससे अपने आप निर्भयता पैदा हो जाती। तो अपना काम अगर करो, अगर पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को अगर डांटते हैं तो उसमें हिंसा नहीं है, गलत मत समझो। लेकिन अगर आपके मन में षडरिपु है, मनाया मकसद ये सब है, उसके अंदर से अगर आपकी हिंसा बनती तो डेफिनेटली आप हिंसा। हिंसा के बाद में आता है अगला जो यम है वो सत्य। अब सत्य का पालन करना मुश्किल है लेकिन असत्य को जानना बहुत जरूरी है। सत्य क्या है किसी को पता नहीं है, लेकिन असत्य क्या है बहुत बार अपने को पता होता है। कितनी बार हम लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, आज किसने झूठ नहीं बोला, सबने झूठ नहीं बोला, मेरे बहुत बहुत तालियां होनी चाहिए।
यार बिल्कुल झूठ नहीं बोला, लेकिन अपने अंदर अगर हम लोग झांक के देखेंगे अगर फिर से, तो ये जानेंगे कि झूठ बोलते हैं, अपने आप से झूठ बोलते हैं, अपने विचारों में झूठ झूठापन लाते हैं, और हमको ऐसा लगता है कि ये झूठ से इस झूठ से कोई हानि नहीं होगी तो चल बोलते हैं। लेकिन इस प्रकार के असत्य का अगर हम असत्य अगर हम बोलते हैं, इससे भी हमारी चेतना जो है संकुचित हो जाती है, कॉन्शियसनेस कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो इसके बारे में अगर हम लोग सतर्क रहें, सत्य का पालन इस तरह से अगर करें, तो अपने आप कॉन्शियसनेस को हम लोग ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इससे गुण कौन सा प्राप्त हो जाता है? लीडरशिप। क्योंकि अगर आप सत्य का पालन करेंगे, आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे, तो आगे वाला अपने विचारों के साथ चलेगा। क्योंकि आप कितना भी छुपाने की कोशिश करो, अगर आप झूठ बोल रहे हो, सामने वाला लेगा नहीं, समझेगा नहीं, लेकिन उसके कॉन्शियस को पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो आपके साथ कभी नहीं आएगा मन से। तो नेतृत्व लीडरशिप पैदा करने के लिए, प्रभाव के लिए सत्य का पालन बहुत जरूरी है। तीसरा यम है हस्ते, चोरी करना। सिंपल वर्ड, चोरी तो हम लोग नहीं करते, यहाँ पे इस समाज में कौन चोरी करता है? नहीं करता है, लेकिन विचारों में हम लोग चोरी करते हैं, किसी की कॉपी करना, किसी का श्रेय लेना, जो हमारी चीज नहीं है उसके ऊपर हक जताना, किसी भी प्रकार, किसी भी लेवल का, ये हम लोग हमारे जीवन में करते हैं। इससे भी हमारी चेतना जो है बहुत ही उद्भिक्त हो जाती है। और ऐसा कहा है पतंजलि ने, अगर हमने लगाव से और सतर्कता से अस्तेय का पालन किया, सारे रत्न अपने आप अपने हमारे हो जाते हैं, हमें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप सारा रत्न का मतलब आपकी उन्होंने एक उपमा दी है, तो हम समझ जाएंगे कि जो कुछ अपने को चाहिए हमारे जिंदगी में, अगर हम लोग अस्तेय का पालन करेंगे, तो अपने आप ये चीजें हमारे पास आएगी, इसका अनुभव आप करेंगे, जरूर आपको होगा। चौथा यम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य अगर हमने कहा तो बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि ब्रह्मचर्य ऐसा, वो समझते हैं कि ब्रह्मचर्य मतलब सिर्फ शारीरिक आसक्ति, ऐसा नहीं। ब्रह्मचर्य मतलब सारे इंद्रियों की आसक्ति, कोई भी इंद्रियों की आसक्ति, तो उसमें रुचि रुचि गंध श्रवण स्पर्श दृष्टि सब कुछ, ये इंद्रिय आपको अनुभव के लिए दिए गए, इसका मजा लेना है, लेकिन इसके अधीन नहीं होना है। अगर मैं गुलाब जामुन मुझे अच्छा लगता है तो मैं एक खाके रुकता नहीं हूँ, मैं 5 खाता हूँ। अगर मुझे कोई सेब अच्छा लगता है तो मैं इतना लगाता हूँ कि मेरा नाक बंद हो जाता है, ऐसे बहुत सारे। तो ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, दिल मांगे मोर, इस चीज को इतना है आपको हमारा। इस अगर हमने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो इंद्रियों की शक्ति कम हो जाती है, कुंठित हो जाती है, तो इससे हमको ऑन लगता है। गिव मी मोर, गिव मी मोर, कौन सी आइडिया, शो मी मोर, तो वो उसके पीछे ये ब्रह्मचर्य का न पालन करना है। और आखिरी जो यम है वो है अपरिग्रह, संचय। हम लोगों को संचय करना अच्छा लगता है, अगर जूते अच्छे लगते तो 50 जूते खरीदते रहते हैं, हर ओकेजन के लिए हमने ड्रेस बना के रखा है। अगर हमको गाने अच्छे लगते तो मेरे पास 1,00,000 MP3 पड़े हुए हैं। अगर बुक्स अच्छे लगते तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, आप जो भी बोलो मेरे पास है। तो हमने हमारे इर्द-गिर्द हमको जो सुख देता है, जो चीज़ हमको आनंद देती है भौतिक, उन चीज़ों का मैंने संग्रह करके रखा है। क्यों? क्योंकि मैं इनसिक्योर फील करता हूँ, अगर मैं आनंद नहीं हूँ तो मैं ये करूँगा। तो ये है अपरिग्रह, ये है परिग्रह। अपरिग्रह मतलब संचय न, किसी चीज का भी संचय न करना। इसमें ये भी आता है किसी चीज के ऊपर भी पोजिशन नहीं होना, किसी आदमी किसी व्यक्ति के ऊपर भी
किसी व्यक्ति के प्रति भी पोसेसिंग नहीं होना। इतना अगर अपना माइंड फ्री हो जाता है, अगर खुला हो जाता है, तो उससे भी अपनी चेतना बहुत जागृत हो सकती है। इसके बाद आता है जो अंग है वो नियम। नियमों में सबसे पहला आता है शौच। शौच यानी क्लीनिनेस, शुद्धि, साफ सफाई। तो ये शौच हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट नियम है। आपने देखा होगा जब भी अचानक से कोई सरप्राइज गेस्ट आ रहा है और उनका फोन आया और जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, चादर डाल देते, कवर ही ना। तो ये शौच का, अगर आपने शौच है पूरा क्लीन है तो ढकने जैसा कोई है ही नहीं। तो नेचुरली जो व्यक्ति शौच का पालन करता है उसका कैरेक्टर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और वो ट्रांसपेरेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे एक दूसरे से कनेक्ट करने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। तो ये शौच ये गुण बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो शौच के आगे संतोष आता है। अब ये जो नियम है उसका एक और क्वालिटी है। नियम जो है हमारे बाहरी व्यवहार से जुड़े हुए हैं। तो बाहर का व्यवहार जो है हमको बार बार देखना पड़ता है कैसे बर्ताव रख रहा हूँ, और वो बाहर कभी काम नहीं होता है, ऊपर ऊपर कभी काम नहीं होता है, तो हम सोचते हैं थोड़ा गहराई में झांकना चाहिए। तो वो जो हमारी गहराई जो है जो दिखती नहीं, वो है हमारा मन बुद्धि, जो इंटरनल एरियाज है। तो इसलिए नियम जो पतंजलि ऋषि ने हमारे लिए बना के रखे हैं वो इसलिए कि अगर हमारे यम में कहीं कमी पड़ रही तो नियम ठीक से करो। नियम ठीक करोगे तो अंदर से एक अधिष्ठान आएगा, फिर जाके आपको अपने यम का पालन करने के लिए आपकी शक्ति बढ़ेगी, चेतना बढ़ेगी। शौच के बाद दूसरा आता है संतोष। संतोष यानी तृप्ति, समाधान, कंटेंटमेंट। बस कल्पना करिए कि आप बिल्कुल खुश है, हैप्पी है, तृप्त है। तो ऐसे क्षण में अगर आपको कुछ क्रिया करनी होगी, आपका मन बिल्कुल स्थिर होगा, आपका मन बिल्कुल शांत होगा। और ऐसे में अगर आप कोई निर्णय लेंगे, कुछ काम करोगे, तो उसका प्रभाव अच्छा होगा। और इसके विपरीत उदाहरण देखें, आपका मन बिल्कुल अशांत है, अस्थिर है, और ऐसे में अगर आपको कुछ काम करना होगा, एंग्जाइटी स्ट्राइक हो रहेंगे, तो वो काम उतना प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए संतोष ये गुण बहुत जरूरी है, क्योंकि संतोष से हमेशा एक ऑर्गुमेंट लगा रहता है, तो क्या महत्वाकांक्षा नहीं रखनी चाहिए क्या? तो अभी आपको इसका उत्तर मिल गया। अंदर से तृप्त रहना और उस भाव से अपना काम करना, आपकी महत्वाकांक्षा पूरी कर पाओगे। तो उसमें एक सत्व की धार होनी चाहिए। तो बीच में हाल ही में एक दो हफ्ते पहले पेपर में एक किस्सा आया था, शायद आपने सुना होगा, याद दिला देती हूँ। सर्वश्रेष्ठ गुप्ता नाम का 22 साल का लड़का हार्ट अटैक आके गुजर गया। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कुछ पाने के लिए इतना अपने आप से इतना डिमांड करें, इतना डिमांड करें, तो ये आफ्टर ऑल हम कोई मैकेनिकल मशीन नहीं है, हम एक हड्डी मांस का बने इंसान है। तो हमारी कुछ ज़रूरतें हैं, तो वो ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। तो ये जो महत्वाकांक्षा है उसमें अगर रजस आ जाएगा तो उसका परिणाम अलग होगा, और उसमें सत्व आएगा तो उसका परिणाम अलग हो जाएगा। आगे के नियम में तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणाम, ये तीनों को जोड़ के अभी सर ने रेफरेंस दिया क्रिया योग, जो मध्यम साधन के लिए कहा गया है। तो तप यानी कि दृढ़ निश्चय, कोई भी चीज का तप हो, मैंने मन में अंदर से ठान लेना है ये मुझे करना है और लगातार उसको करते रहना। तो हम दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं कर्म योग, एक्शन ओरिएंटेड, और उसको लगातार नियमित रूप से करते रहना। आगे चल के आता है स्वाध्याय यानी स्व का अध्याय, जो मैं काम कर रहा हूँ, खुद का ही आत्मा परीक्षण करना और समझ लेना, इवैल्यूएट करना, जो गलत जा रहा है उसको सुधारना, जो सही जा रहा है उसको बढ़ावा देना। और ये
करने के लिए जो आधार है वो शास्त्रों से आधार लेना, जो हमारे ग्रंथ है अच्छे, जैसे योग सूत्र का ग्रंथ है या कोई भी अच्छा ग्रंथ है जो हमें हमारे बिहेवियर के बारे में हमको ज्ञान देता है, ऐसे ग्रंथों के सहारे जो सही है उसका उपयोग करना और उसी रास्ते से अपने आप को आगे ले जाना, ये हो गया स्वाध्याय। और अंत में आना है ईश्वर प्रणिधान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब अगर आपने पांचों यम कर लिए, अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह और सारे नियम का भी पालन भी कर लिए, सच बताओ इतना परफेक्ट हो जाएंगे आपको किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। एक चीज की कमी पड़ सकती है और वो है अहंकार। मैं कर रहा हूँ इसलिए मेरा अहंकार बढ़ सकता है, या कहीं अगर कम हो गए क्योंकि विक्षिप्त है ना, तो कम हो जाएंगे तो सोचेंगे न्यूनता आ जाएगी अपने अंदर। तो ये दोनों ही चीज से अपने आप को बचाने के लिए महर्षि पतंजलि ने सुझाव दिया है ईश्वर प्रणिधान, यानी कि सरेंडर करना, सलाम करता है। क्योंकि हर चीज करने के बाद में विफलता फेलियर आएगा, इसका नेचर सृष्टि का नियम है कि अगर आप जाते हैं तो अगर किस तरह से जा रहे हैं, हम आपका बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ब्रेक लगाएगी सृष्टि। तो इस चीज के लिए भी, और अगर आप नीचे गिरे हैं तो आपको उठा ऊपर उठाने के लिए भी दोनों, ये क्योंकि ये दोनों चीजें आपके हाथ में नहीं है, आपने सब कुछ किया है लेकिन आपकी जो व्याख्या आपकी है व्याख्या वो कुछ अलग है और आप कुछ है वो अलग है। इसी वजह से ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति प्रणिधान होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो ईश्वर कहा है पतंजलि ऋषि ने, वो क्या है, ईश्वर भगवान नहीं है, ईश्वर अल्लाह नहीं है, ईश्वर गॉड नहीं है कुछ। यहाँ पे जो ईश्वर कहा है वो ईश्वर तत्व है, और ईश्वर तत्व का मतलब टाइमलेस फॉर्मलेस और सीमित जो तत्व है उसके बारे में कहा है। इसीलिए योग में रिलीजन का कोई स्थान नहीं, योग ना हिंदू का है ना मुस्लिम का है ना ईसाई का है ना सिख का है, ये सारी जो शाखाएं हैं बाद में आई हैं, योग सब इसके फल है ऊपर है। इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको वसुधैव कुटुंबकम की तरह संबोध के कहा है कि इसके आगे हमको लेके जाना है योग। तो इसी ईश्वर तत्व, यही ईश्वर तत्व जो है वो एक चीज में है, वो है प्रणाम। प्रणाम यानी ओम, ओम का रेफरेंस हमने किया था इसके पहले। तो ओम जो है वो उच्चार है, वो कोई वर्ड नहीं, उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो उच्चार है। और ऐसा मानते हैं कि ओम से ही सारे विश्व की उत्पत्ति हुई। तो हम लोग यहाँ पर ये सत्र को एंड करेंगे, इस सेशन को एंड करेंगे ओंकार के उच्चार से। वैसे ओंकार के उच्चार कई प्रकार से करते हैं, हम लोग यहाँ पे जो करेंगे वो तीन मात्रा से करेंगे, अ टू और नो के उच्चार से, अ की दो मात्रा, टू की चार मात्रा और नो की आठ मात्रा, ठीक है। तो पांच बार हम लोग यहाँ पर ओम का उच्चार करेंगे, आंखें बंद करके तीन सीधी रखें, आंखें बंद करें और मैं एक बार ओम कहूँगा, उसके बाद में
चेतना का एहसास करते हैं। धन्यवाद संध्या और नितिन जी बच्चों को। उन्होंने सूत्र के बारे में बहुत ही सहजता से बताया।